नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का पांडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं हूं मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बायोलॉजी फैकल्टी पांडे क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। ठीक है ना बेटा, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है सर? पेडिग्री एनालिसिस बच्चों जो है, मतलब कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको जो है कई जनरेशन तक, ठीक है ना, कई जनरेशन तक जो है उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं, या इसी को कहते हैं, मतलब कई जो है कोई भी ट्रेड से रिलेटेड या जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, कई जनरेशन तक उसका एनालिसिस करना, इसी को कहते हैं बेटा पेडिग्री एनालिसिस। जो हम यहां पर मेंशन किए हैं पॉइंट एनसीईआरटी का है, तो सच एंड एनालिसिस ट्रेट इन सेवरल, ठीक है ना, सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली, किसी फैमिली में कई जनरेशन तक जो है बच्चों हम लोग क्या करें, इसका जो है कई जनरेशन तक जो है किसी ट्रेट का जो है एनालिसिस करें, इसी को कहते हैं बेटा हम लोग क्या बताओ, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल होंगे जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये कुछ सिंबल है बेटा, ये कुछ सिंबल है, इसको देखना, ये कुछ सिंबल है आपका जो है पेडिग्री एनालिसिस में, जो आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दिख रहा होगा। एनसीईआरटी में जब आप लोग एनसीईआरटी पर जाएंगे तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये आपका जो है, ये क्या है, ये जो है कुछ सिंबल है, इसको देखना। जो ये सिंबल है बेटा, ये जो सिंबल है, ये जो है अगर इस तरीके से है, ये इस तरीके से अगर बना पड़ा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, जो है ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बना पड़ा है तो इसे हम लोग कहेंगे ये मेल का है। किसका है बेटा? मेल का, ठीक है ना, ये मेल का है। और अगर जो है सर्कुलर बना है तो इसे फीमेल। और ये सिंबल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है ना। और ये अगर कलर्ड है, मेल एंड फीमेल या सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर जो है ये कलर्ड है तो इन्फेक्टेड है, मींस ये इन्फेक्टेड कहलाएंगे। और दोनों के बीच में अगर एक लाइनिंग गए है तो इसे कहेंगे मैटिंग, ठीक है ना। और दो लाइन गए हैं तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, मींस रिलेशन में इनकी क्या हुई है, शादी हुई है बेटा, ठीक है ना। और ये जो है सिंबल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहां पर ये है पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, वो आपका जो है क्या होगा, यहीं से फ्रेम होगा। अगर जो है पेडिग्री एनालिसिस से होता है, अब जो है पैटर्न बदल गए हैं तो यही पूछते हैं, या तो यही पूछते हैं। तो यहां पर देखिएगा, इसमें पेडिग्री एनालिसिस में जो है पहली पॉइंट ये है कि बेटा जो है, जो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट जो ट्रेट है वो एग्जांपल है मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी। ये अभी पूछा गया सवाल है, मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी, जो मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी है बेटा, दिख नहीं रहा होगा तो आप जो है पेज नंबर दिख रहा है एनसीईआरटी का 89, उसे ओपन करें और हम बोल रहे हैं बेटा उसे देखते रहे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है फिगर में दिया है क्या जो है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल है मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी। और अगली बात बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा पड़ा है ऑटोसोमल रिसेसिव, वो आपका कौन होता है बताओ, सिकल सेल एनीमिया। जितने आपके डिसऑर्डर है वो जो है ज्यादातर आपके जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई भी एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, केवल यही पर मेंशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट जो ट्रेट है उसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब यहां पर बेटा इसमें जो है हमें दो चीज पता करने हैं, क्या क्या, यहां देखना। एक जो है पेडिग्री एनालिसिस के दौरान हमें पता करना होता है क्या, पहला पॉइंट है बेटा कि जो है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव, डोमिनेंट रेट है या रेसेसू है, ठीक है ना, रेसेसू। ये दो पॉइंट है, पहली पॉइंट यही है बच्चों। अगर जो है आपका कोई भी डिसऑर्डर, अगर जो है पेरेंट मान लो इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, पेरेंट इन्फेक्टेड है, पेरेंट क्या है, इन्फेक्टेड। यहां पर मैं पेरेंट को दिखा दिया, ये मान लो कलर्ड कर दिया, कलर्ड, और ये जो है पेरेंट क्या हो गए, इन्फेक्टेड। मान लो ये जो है, अब देखना यहां पर देखना बेटा, ये मान लो पेरेंट क्या हो गए, इन्फेक्टेड, और ये पेरेंट क्या हो गया, इन्फेक्टेड। ये कौन है, फीमेल, और ये कौन है बताओ, मेल। तो अगर पेरेंट में से दोनों है या एक है इन्फेक्टेड, तो आपका जो
मैटिंग कराया तो इससे बेबी पैदा हुए, और जो बेबी बने बेटा अगर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, मींस अगर जो है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में से गैपिंग आ गया, सॉरी अगर पायरेट, ये पायरेट है बेटा ध्यान देना, अगर पायरेट है और F1 जनरेशन है बेटा, F1 जनरेशन है, पायरेट और F1 जनरेशन दोनों में से, पायरेट और F1 जनरेशन ठीक है ना, F1 जनरेशन दोनों में से अगर किसी के पास, मान लो पायरेट इन्फेक्टेड है लेकिन F1 जनरेशन में कोई भी ऑफ स्पीरिट इन्फेक्टेड नहीं है, मीन सभी के सभी नॉर्मल है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रिसेसिव कहेंगे, या कहो कि जो पायरेट है वो नॉन इन्फेक्टेड हो, पायरेट कैसा हो नॉन इन्फेक्टेड, और F1 जनरेशन का कोई जो है ऑफ स्पीरिंग, कोई ऑफ स्पीरिंग क्या हो बेटा, इन्फेक्टेड हो, और तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे भी कंडीशन को हम लोग कहेंगे बेटा आपका जो है क्या, रिसेसिव, मींस जो है एक इन्फेक्टेड हो, एक दूसरा क्या हो, नॉर्मल, या जो है ऑफ स्पीरिंग या F1 जनरेशन के क्या हो, इन्फेक्टेड अफेक्टेड हो, और जो है जो पैरेंट है वो कैसे हो बेटा, वो जो है नॉर्मल हो, दोनों के बीच में अगर गैपिंग है तो वो रिसेसिव होगा, और अगर जो है बेटा आपके दोनों के दोनों में से अफेक्टेड है तो वो आपका कहलाएगा क्या, डोमिनेंट। क्लियर, इतनी बात क्लियर। आइए यहां देखिए, यहां देखिए, इसे बताइए, ये डिजीज ये पैरेंट है बेटा, ये क्या है बताओ, पायरेंट है ठीक है ना, ये क्या है, पायरेंट है, ये पायरेंट है, और ये है F1 जनरेशन, ठीक, F1 जनरेशन, तो इसमें क्या है, पायरेंट एक जो है इन्फेक्टेड, एक हो या अनेक हो कोई मतलब नहीं है, एक अफेक्टेड है, पायरेंट अफेक्टेड है, अगली बात F1 जनरेशन में ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, तो F1 जनरेशन भी अफेक्टेड है और पायरेंट भी अफेक्टेड है, तो बताओ ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट। अगर गैपिंग होता तो रिसेसिव होता सर, दोनों अगर अफेक्टेड है तो ये आपका क्या है बताओ, ये डोमिनेंट है, तो ये यहां पर लिखा पड़ा है, डोमिनेंट का एग्जांपल है ये। और अगली बात बेटा, अगली बात यहां पर देखना, अगली बात ये पायरेंट है, ये पायरेंट है बेटा, पायरेंट है, और पायरेंट है ये कौन है बताओ, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है और ये पैरेंट है, इन दोनों में से पैरेंट नॉर्मल है और जो F1 जनरेशन है वो कैसे बता अफेक्टेड है, तो इसे डोमिनेंट कहोगे, गैपिंग आ गया F1 जनरेशन और पैरेंट के बीच में अगर गैपिंग, तो सर वो रिसेसिव, और अगर कॉन्टिन्यूटी बनी है इन्फेक्शन की तो वो कहलाएगा डोमिनेंट। तो ये हुआ पहला पॉइंट, तो डोमिनेंट आई में रिसेसिव पहचानने का, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अब अगली बात समझो, अगला पॉइंट हमें यह बताता है बेटा कि जो है कौन सा यहां देखना ध्यान से, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, कौन ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल कौन है और कौन सेक्स है, ठीक है ना, कौन सेक्स है कौन ऑटोसोमल, जो हम तकनीक बता रहे हैं बच्चों वो सफिशियंट है, ठीक है ना, हमारे पास बहुत है तकनीक, बट जो है आपके लिए सर इतना सफिशियंट है, ठीक है ना, हमारे पास ट्रिक है, किसी दिन अपलोड कर देंगे, ठीक, कि दबंग बिगड़ेला बाप जो है किसी बिटिया को छेड़ता नहीं, ठीक, कई बच्चे सुने भी होंगे, तो वो तकनीक सर जो है वो मतलब बहुत ज्यादा ओवर क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं तो उसके लिए है, आपके एनसीईआरटी सिर्फ सॉल्व करने हैं तो उतना पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंटेंट कम हो, ज्यादा बार पढ़ना है सर, ज्यादा बार पढ़ना है, कंटेंट ढूंढो ना, बहुत बहुत चक्कर में ना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ज्यादा बार पढ़ो। तो सर यहां पर सेक्स एंड ऑटोसोमल कैसे पहचाने, तो ध्यान रखना कि अगर जो है अगर ऑफ स्प्रिंग जो है मेल एंड फीमेल दोनों में डिजीज है, दोनों में अगर डिजीज है तो कैसा है बताओ, ऑटोसोमल, और अगर जो है या तो मेल में है या जो है आपका किस में है बताओ, या तो डिजीज किस में है, मेल में है, या तो किस में है, फीमेल में, अगर मेल में डिजीज है या तो फीमेल में है, दोनों में से एक में, एक ही अफेक्टेड है तो इसे कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और अगर जो है दोनों अफेक्टेड है तो इसे कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अगर दोनों है बेटा, दोनों अफेक्टेड है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा बताओ, ऑटोसोमल, और अगर एक अफेक्टेड है या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है ना, या तो फीमेल या तो मेल, दोनों में से अगर कोई भी अफेक्टेड है, एक अफेक्टेड है तो वो कहलाएगा क्या बताओ, वो कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम, और एक नॉर्मल होना चाहिए। यहां देखो, तो यहां पर दूसरा पॉइंट वही है कि सर इसमें कौन है अफेक्टेड,
तो इसमें देखो सर, इसमें देखिए क्या है, इसमें मेल भी अफेक्टेड है, इसमें मेल भी अफेक्टेड है, और कौन है, फीमेल भी। तो बताओ ये सेक्स है कि ऑटोसोमल, ऑटोसोमल। इसमें देखिए, इसमें मेल भी अफेक्टेड है और कौन है, फीमेल भी, तो ये सेक्स है कि ऑटोसोमल, ऑटोसोमल। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। चलते हैं सर आगे। अब हम लोगों को पढ़ना है सर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक डिसऑर्डर सर जो है, ये टेबल बने पड़े हैं, छोटे से कर दे रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है सर आपका जो है, ये दो टाइप्स में डिवाइड है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चों वो डिसऑर्डर है जो एक जीन के डैमेज होने से डिजीज कॉज होता है या डिसऑर्डर होती है, ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ध्यान रखना, डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ सिम्टम, डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं सर, ठीक है ना। ये मेंडेलियन एक जीन के डैमेज होने से, मतलब वन जीन डैमेज हो जाए, एक जीन के डैमेज होने से जो डिसऑर्डर होता है, जो डिसऑर्डर होगा उसे हम लोग कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। बोलो क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे सर। और ध्यान रखना बेटा, अगर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उससे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ध्यान रखना, अगर एक जीन डैमेज होता है उससे जो डिजीज होगा उसे कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और अगर जो है क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज और डिक्रीज से जो डिसऑर्डर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। भाइयों बहनों, यहां पर देखो, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थायलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ये ध्यान रखना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का है। ये सभी डिजीज एक जीन के डैमेज होने से होंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर। हाँ, जीन के डैमेज होने से होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जो है आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पर तीन एग्जांपल पढ़ने हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कोई बच्चा आ जाएगा हमारे पास, सर जी पटाओ सिंड्रोम आप नहीं पढ़ाए, बहुत सारे सिंड्रोम है सर, आपको केवल एनसीईआरटी कवर करने हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बेटा हम लोग आते हैं पहले पर। ये जो है आपका फेनिलकीटोनुरिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये एक टाइप्स का कैसा डिसऑर्डर है तो आप लोग बताना, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। कई बार ऐसे सवाल पूछा गया है कि ये ऑटोसोमल है कि जो है आपका सेक्स क्रोमोसोमल है, तो आप लोग बताना फेनिलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है बेटा। अगली बात ध्यान रखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, फेनिलकीटोनुरिया के बारे में बताया था। कोई डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर एक जीन है बेटा, ये जीन है, और ये जीन अगर डैमेज हो गया तो एमआरएनए भी क्या होगा, डैमेज, और एमआरएनए डैमेज तो प्रोटीन भी क्या बताओ, डैमेज, और प्रोटीन डैमेज तो एंजाइम भी डैमेज, और इससे इस जीन से कौन सा आपका एंजाइम बनता है तो बताना, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। याद आया, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ये जो है एंजाइम, देखना प्लीज, फिर से सुनना सर, मैं कह रहा हूं एक डीएनए है, ये डीएनए है, और इस पर एक जीन है, और ये जीन जो है क्या हुआ, ये जीन बेटा डैमेज हो गया, तो ये जीन अगर डैमेज हुआ तो ये एमआरएनए भी क्या होगा बताओ, डैमेज, और एमआरएनए डैमेज तो प्रोटीन भी क्या, डैमेज, प्रोटीन डैमेज तो एंजाइम भी डैमेज, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम भी डैमेज, और फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम भी अगर डैमेज हो गया तो बताओ, अब जो है ये क्या आपका फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है, ये फेनिल एलानिन को जो है क्या टायरोसिन में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारे बॉडी में जो फेनिल एलानिन है, ये फेनिल एलानिन कीटोन बॉडीज के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, कीटोन्यूरिया एंड मेंटल रिटार्डेशन, बताया था, याद है कि नहीं याद है, ईमानदारी से बताइएगा सर, याद है कि नहीं याद है, बहुत अच्छा लगता है हमको आप लोगों को पढ़ाने में, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर यहां पर फेनिल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये जो है आपका जो है बताओ कीटोन बॉडीज के फॉर्म में जो है कीटोन्स बॉडीज के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, हेयर फॉल हो जाएगा, हमारे बाल झड़ जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन, हमारे स्किन डैमेज हो जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन होगा बेटा, और क्या होगा, तो कहोगे सर कीटोन्यूरिया बताया था, कीटोन्यूरिया बताया था मींस जो है पेशाब के साथ कीटोन निकलेंगे, और बताया था क्या, तो बताओ सर हमने बताया था मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, पागलपन आ जाएगी, उतना ज्यादा ब्रेन आपका डेवलप नहीं होगा। तो ये आपका जो है क्या है, यही है फेनिल एलानिन। तो फेनिल एलानिन जो डिजीज है ये आपका क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और एक जीन के खराब होने से होता है, और वो जीन है कौन से एंजाइम बनाने वाला, तो बताना फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। क्लियर बात। अब चलते हैं सर अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन है सर, सिकल सेल एनीमिया तो ध्यान रखना ये ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये बात ध्यान रखना। अगली बात बच्चा इसमें कितने केस बनते हैं, तो आप लोग बताना कितने केस, तो तीन केस बनता है बेटा, पहला नॉर्मल, दूसरा वेक्टर और तीसरा कौन बताओ, इन्फेक्टेड। अगर दोनों जीन आपके ए और ए है, ये अगर यहां पर ए ए जीन है तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कंडीशन, और एक ए है एक यस है तो कैसा होगा आपका वेक्टर, और अगर एक यस है बेटा और दोनों यस अगर है तो कहलाएगा इन्फेक्टेड। कहोगे सर ये कैसे वेक्टर हुआ, तो मैंने कहा रिसेसिव है, और अगर रिसेसिव है तो डोमिनेंट के साथ अपना एक्सप्रेस होगा नहीं, मींस कैरेक्टर नहीं शो करेगा। और बताया था ऐसे ध्यान रखो बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ते हो क्या मलेरिया डिसऑर्डर, उसमें जो है प्लाज्मोडियम को ले जाने वाला कौन है, मॉस्किटो एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, वो जो है फीमेल एनोफिलीज क्या है बताओ, वो वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, वो लेके जा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सर। लेकिन ध्यान रखना वेक्टर के अंदर सिम्टम आते नहीं है, ये भी ऐसे अपने ऑफस्प्रिंग को ये डिसऑर्डर तो दे देगा, उसके अंदर डिसऑर्डर भेज देगा, लेकिन ये डिसऑर्डर इसके अंदर जिसके अंदर ये जीन है, ये वाली कंडीशन है HBA HBS, उसके अंदर डिसऑर्डर होगा नहीं, लेकिन ये दूसरे के अंदर अपने प्रोजेनी के अंदर ये डिसऑर्डर कॉज कर सकता है सर। तो ये वेक्टर है और ये जो है इन्फेक्टेड केस होगा और ये नॉर्मल केस होगा, ये बात जहन में बैठा लेना। अब ये प्लीज आप लोग एनसीईआरटी ओपन करें, प्लीज एनसीईआरटी ओपन करें, और थोड़ा जो है हमारा पीडीएफ जो है हमें पता है थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है ना, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी ओपन करें और एनसीईआरटी ओपन करके रखें। यहां पर देखें सर ये कह रहा है क्या जो है, यहां देखना, यहां पर कह रहा है क्या जो है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जीन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है, मींस ये आपका HbA है, और क्या है बताओ, HbA, तो HbA है, तो यहां पर लिखा पड़ा GAG और यहां पर CTC, और इसका mRNA बना क्या बताओ, GAG, तो ये mRNA बना, पहले DNA से क्या बनता है mRNA से क्या बनता है, एमिनो एसिड, तो यहां पर ध्यान रखना बच्चा, यहां पर ध्यान रखना एमिनो एसिड बनता है, और यहां पर बेटा देख, यहां पर जो है आपका क्या है, वैलिन है, देखते रहना अपने एनसीईआरटी में, ये वैलिन है, हिस्टामिन है, ल्यूसीन है, थ्रोम्बोनिन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7th है, 6th पोजीशन पर ये जीन है, नॉर्मल कंडीशन में ये दिख रहा है। अब सर ये सिकल सेल जीन है, सिकल सेल जीन में क्या आ जाता है बताओ, HBS, मींस जो है यहां पर केवल एक जगह पर कौन आ गया बताओ, GATG, मींस यहां पर GA के जगह पर एक जो है T आ गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई, तो यहां पर क्या बना, GAG के जगह पर क्या बन गया बताओ, GUG बन गया। अब mRNA चेंज तो एमिनो एसिड चेंज, क्योंकि कोडान चेंज, और कोडान जो चेंज हुआ तो सभी कोडांस अलग अलग टाइप्स के एमिनो एसिड को कोड करते हैं, तो सर ये GUG वैलिन को कोड करेगा। अब बताओ 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड हट गया किसके द्वारा बताओ, वैलिन से, और 6 पोजीशन पर ये ध्यान रखना ये बीटा चेन है,
हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चैन होता है, बीटा चैन होता है, तो बीटा चैन के सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड जो है वैलिन के द्वारा हट जाता है। और क्यों हटता है तो कहना जो है केवल एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने के कारण एक जगह पर कौन आ गया टी, ठीक है ना, इसके चेंज होने के कारण यहां पर वैलिन आ गया। आप कहोगे सर इतना बड़ा बाउंडर क्या, अगर एक एक इमिनो एसिड चेंज हो गया तो क्या हुआ, तो अगर इमिनो एसिड चेंज हुआ तो हीमोग्लोबिन में पॉलीमराइजेशन होने लगता है, पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन होगा तो जो आपका आरबीसी होता है बेटा ये बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव, और ये चेंज हो जाएगा सिकल शेप में, सिकल शेप में चेंज हो जाएगा, और सिकल शेप में चेंज हुआ तो इफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जो बाइंडिंग है वो टेंडेंसी वो पावर कम हो जाएगी और ये जो है आपका गड़बड़ कम गड़बड़। तो सर ये ध्यान रखना अगर यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ गया तो यहां पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन और आरबीसी बाइकॉनकेव से कैसा हो जाएगा सिकल सेल, ठीक है ना। तो ये था बेटा जो है आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थैलेसेमिया के बारे में। ध्यान रखना बेटा थैलेसेमिया क्या है, थैलेसेमिया जो है यहां देखो बेटा थैलेसेमिया के बारे में, थैलेसेमिया के बारे में देखो बेटा, थैलेसेमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें थैलेसेमिया पढ़ने से पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमो माने क्या है आयरन, और ग्लोबुलिन मींस क्या है प्रोटीन, और एक प्रोटीन के अंदर बेटा दो अल्फा चैन पाए जाते हैं और दो क्या पाए जाते हैं बताओ, बीटा चैन, दो अल्फा दो बीटा चैन। और इसमें थैलेसेमिया में क्या गड़बड़ होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन वाला हिस्सा है उसका अल्फा एंड बीटा चैन डैमेज हो जाता है, इसी को कहते हैं थैलेसेमिया। और अगर अल्फा चैन गड़बड़ तो आपका अल्फा थैलेसेमिया हो गया, और बीटा अगर बीटा चैन गड़बड़ तो बीटा थैलेसेमिया हो गया। और ध्यान रखना सर यहां पर अगर जो है आपका एच बी ए फर्स्ट एच बी ए सेकेंड नामक जीन, ये जीन है सर जीन है, अगर ये जीन डैमेज हुआ, ये जीन डैमेज हुआ तो ध्यान रखना सर अगर 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 क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है, इसको अंडरलाइन, क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है एच बी ए नामक जीन पाया जाता है, एच बी ए और एच बी ए, एच बी ए फर्स्ट एच बी ए सेकंड दो जीन है सर, अगर ये डैमेज हुआ तो अल्फा चैन बनेगा नहीं और हीमोग्लोबिन का अल्फा चैन नहीं बनेगा, तो इसे कहेंगे अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया। और ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर 11 पर बेटा एचबीबी माने हीमोग्लोबिन बीटा, हीमोग्लोबिन बीटा, यहां पर क्या है एचबीए हीमोग्लोबिन अल्फा, माने ये जीन डैमेज होंगे तो अल्फा चैन गड़बड़, और अगर ये चीज गड़बड़ हुआ तो कौन सा चैन गड़बड़, तो बीटा चैन गड़बड़, और बीटा चैन गड़बड़ तो ऐसे थैलेसेमिया को क्या कहेंगे बताओ, बीटा थैलेसेमिया कहेंगे सर। तो ये हुआ थैलेसेमिया के बारे में, आप लोग थोड़ा देख लेना रीड कर लेना एनसीईआरटी। तो हीमोफीलिया बेटा, हीमोफीलिया देखो, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, या इसी को कह दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसमें जो है दो कंडीशन आता है बेटा, एक जो है मेल एंड फीमेल है, तो इसे देखो आप लोग ध्यान से, यहां पर मेल एंड फीमेल दो कंडीशन है, मेल और फीमेल में अगर जो है ये अगर जो है एक्स क्रोमोसोम पर हीमोग्लोबिन वाला जीन है तो ये कैसा होगा बताओ, इन्फेक्टेड, और अगर नहीं है तो कैसा केस है बताओ, नॉर्मल, नॉर्मल है सर। अगली बात समझो सर, यहां पर देखिए फीमेल के केस में अगर दोनों नॉर्मल है, हीमोफीलिया वाला जो है जीन नहीं है तो ये कंडीशन कहलाएगा नॉर्मल, हीमोफीलिया वाला एक पर जीन है दूसरे पर नहीं है तो क्या कहलाएगा, माने वेक्टर, क्योंकि ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, अपने इसके अंदर डिजीज नहीं होगी लेकिन प्रोजेनी में कॉज कर देगा। अगर जो है दोनों पर हीमोग्लोबिन वाला जीन है तो बेटा ये कहलाएगा इन्फेक्टेड, क्या कहलाएगा बताओ, इन्फेक्टेड। तो ये फीमेल में तीन केस बनाता है और मेल में कितना बताओ, दो केस बनाता है, ठीक है ना। चलते हैं बेटा आगे, तो अगर यहां देखना ये जो है इसमें क्या होता है आपका हीमोफीलिया में एक जीन डैमेज हो जाता है जो प्रोटीन बनाता है किसके लिए, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, और जो आपका हीमोफीलिया डिजीज है ये मेल में ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में, और रानी जो विक्टोरिया थी ये क्या थी आपकी कैरियर। और यहां पर एक केस है बेटा क्या जो है फादर अगर इन्फेक्टेड हो और मदर अगर जो है नॉर्मल हो तो इनके बीच में क्रॉस हो जाए तो क्या होगा,
तो यहां देखिए भाइयों बहनों, फादर इन्फेक्टेड मींस आपका जो है क्या है, हीमोग्लोबिन, और एक्स लिंक्ड है, तो यहां पर लिखा क्या जो है, यहां देखना एक्स और जो है वाई, तो फादर हुआ और फादर कैसा है बताओ, इन्फेक्टेड, और ये आपका जो है देखना ये मदर है और मदर कैसे है, कैरियर, मींस जो है इनके ऊपर इन्फेक्टेड, मींस जो है सॉरी एक जीन रहेगा, तो इनका क्रॉस कराएंगे तो पुन्नेट स्क्वायर बना लो जल्दी से, पुन्नेट स्क्वायर, और पुन्नेट स्क्वायर ही काम का है, पुन्नेट स्क्वायर यहां पर बन गया सर, ये पुन्नेट स्क्वायर, अब यहां पर पुन्नेट स्क्वायर बनाया, ये पुन्नेट स्क्वायर जो है सर, ये है पुन्नेट स्क्वायर, ये पुन्नेट स्क्वायर बेटा, अब देखना ध्यान से, यहां पर पुन्नेट स्क्वायर बना, इसका जीन लिखना चालू कर दिया मैंने, यहां पर लिख दिया हीमोग्लोबिन वाला जीन, और ये जो है आपका नॉर्मल एक्स, एंड ये जो है जीन वाला, और ये जो है क्या है एक्स, इसको मैच कराओ तो ये कैसा होगा बताओ, इन्फेक्टेड, मींस डॉटर, डॉटर इन्फेक्टेड होने के लिए, डॉटर इन्फेक्टेड होने के लिए मिनिमम हमें, हमारे पास क्या कंडीशन होने चाहिए, तो डॉटर इन्फेक्टेड होने के लिए कम से कम फादर इन्फेक्टेड और मदर क्या हो नॉर्मल, जो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फादर शादी से पहले मर जाता है, ठीक है ना, मैरिज से पहले, शादी से पहले सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है, तो ये केस है सर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं किसके पास, डाउन सिंड्रोम के पास, डाउन सिंड्रोम देखना बेटा, डाउन सिंड्रोम है क्या कि आपका जो है ऐसे क्रोमोसोम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये एक्स एंड वाई आ गया, ये एक्स एंड वाई आ गया सर, इसको देखना प्लीज आप लोग जो है ध्यान से, ये पहला है ये दूसरा है, तो ये आपका कौन सा है 23, तो ये कौन सा होगा 22, और ये कौन सा होगा 21, 21 नंबर पर एक क्रोमोसोम आपका यहां पर बढ़ जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यहां पर देखना सर, यहां पर 21 क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक ऐसा क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी, पढ़ाया था, क्या कहते हैं बताओ, ट्राइसोमी, और ये ट्राइसोमी जो कंडीशन है मींस एक क्रोमोसोम, एक ऐसा क्रोमोसोम का एक सेट जो है क्रोमोसोम का इंक्रीज कर जाता है, इस कंडीशन में जो है क्या बनेगा, तो यहां देखना 22 प्लस जो है एक्स वाई, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, एक जो है इस पर एक जो है क्रोमोसोम आपका बढ़ गया, तो यहां पर जो है क्या होगा बेटा, यहां पर जो है क्या है आपका, ये ट्राइसोमी कंडीशन कहलाता है, और इसको 1866 में लैंगडन डाउन ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था, तभी इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, लैंगडन डाउन मींस डाउन सिंड्रोम, और इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, राउंड राउंड स्मॉल राउंड जो है हेड होता है, फरो पाए जाते हैं जीभ में, तो स्मॉल राउंड हेड होता है, फरो जीभ में पाए जाते हैं, हल्का मुंह खुला होता है, ये हथेली जो है चपटा और जो है उंगली छोटा मोटा होता है, ये सब सिम्टम दिए, हार्ट में जो है पोर्स हो जाते हैं, ये थोड़ा आप लोग रीड कर लेंगे, और इसमें थोड़ा एक्सरे दिया पड़ा है, इसको ध्यान रखना, यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर है ये, तो आइए आगे चलते हैं, और ये बेबी बना है, ये जो है आपका वही वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, और दूसरा कौन सा बेटा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल होता है, और जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये मेल में, अगर फीमेल का जो है सेक्स क्रोमोसोम देखे बेटा, सेक्स क्रोमोसोम देखे तो क्या होता है बताओ, एक्स एंड वाई, एक्स 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 होता है, और मेल का सेक्स क्रोमोसोम अगर देखे तो क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है बेटा, और अगर ध्यान रखना इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में बेटा एक जो है एक्स क्रोमोसोम अपसेट हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, एक्स एंड जीरो, और इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, तो क्या कंडीशन बनेगा, एक्स एक्स वाई, और ध्यान रखना ऐसे लग रहा कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम जाके किसमें घुस गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, मींस टर्नर सिंड्रोम में जो है एक एक्स क्रोमोसोम डिक्रीज होगा, और जो है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज होगा, और इसमें ध्यान रखना टर्नर सिंड्रोम में बेटा जो ये केवल ओनली फीमेल में होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो जो है आपके खत्म हो जाएंगे, और ये अनफर्टाइल होंगे, जो ओवरी होगी वो जो है निग्लेजिबल होगा, ओवम प्रोड्यूस नहीं करेगा, अनफर्टाइल होंगे, ठीक है ना, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इसमें मेमरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है क्या होते हैं वो जो है गायब हो जाते हैं, और इसमें टेस्टिस जो है नगण्य होता है, मींस जो है निग्लेजिबल होता है, और स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, मींस जो है ये भी अनफर्टाइल होते हैं, तो यहां पर जो है आपका लिखा पड़ा है किसके बारे में, टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में ये दिखाया गया है सर, ये आपका जो है ए एंड बी डायग्राम,
इसको आप लोग देख लेना सर, और आगे हम लोग पढ़ते हैं, मिलते हैं क्या जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बचा है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी लोग का, नमस्कार।